नमस्कार दोस्तों, आज हूँ तुमने लई आवुं छुं एवी जगह जहाँ सेकंड हेन्ड गाड़ियों खूब सस्ता भावे तमने मळी जवानी छे। आ जगह छे अमदावाद में आवेली स्पिनी पार्क, के ज्यां मात्र 2.5 लाख थी प्राइस रेंज शुरू थाय छे। मारुति होय, टाटा होय, एमजी हेक्टर होय के पछी तमारे लेवी होय मर्सिडीज, दरेक प्रकारनी गाड़ियों तमे जोई रह्या छो। तो घणी बधी गाड़ियों हूँ तमने देखाड़ीश, प्राइस रेंजनी पण वात करीशुं। जो तमे सेकंड हेन्ड कार खरीदवा मांगता होय तो आ वीडियोने पूरेपूरो जोई लेजो। तो दोस्तों, अत्यारे आपणे छीए अमदावादना एजी हाईवे पर आवेला स्पिनी पार्कमां, के ज्यां अलग अलग जे छे ब्रांड, अलग अलग कंपनीओनी अनेक सेकंड हेन्ड गाड़ियों छे, अने आपणी साथे छे आ जग्याना कर्मचारी संकल्पभाई। तो संकल्पजी, सबसे पहले तो हम जहाँ खड़े वो पूरा सेक्शन मारुति का है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर खड़े हैं वो है अल्टो। तो इस प्रकार की जो गाड़ी होती है वो कितने प्राइस रेंज में मिल जाती है हमारे यहाँ? अल्टो देखिए, अल्टो की स्टार्टिंग रेंज हमारे पास से आपका 2.5 लाख से शुरू है, लगभग लगभग आपका 4 लाख के आसपास तक जाए। अच्छा, और ये कौन सा मॉडल, कौन से साल के मॉडल रहेंगे? 2.5 लाख में लगभग लगभग आपका 2012 का 2013 ऐसे के मॉडल, 12 से ऊपर के ही सारे मॉडल रहेंगे, उससे नीचे कोई मॉडल नहीं रहेगा। ओके, तो दोस्तों जो तुम्हें अल्टो खरीदवा मांगता हो ना, तो अहीं 2012 पछी ना मॉडल तमने 2.5 लाख नी ऊपर नहीं रेंज में मिली जाना है, 2.5 लाख 3 लाख। और इसमें अगर बात करें कि कोई CNG खरीदना चाहता है अल्टो में, तो उसका प्राइस रेंज क्या रहेगा? CNG का ही प्राइस रेंज सर आपका मॉडल वाइज ही पूरा का पूरा डिपेंड करता है। ओके, पॉसिबल हो कि आपका 2.5 लाख में भी CNG आ जाए। ओके, अगर पुराना मॉडल है, कस्टमर ने बाहर से लगा रखा है। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई नई CNG वाली गाड़ी आई हो और जी, तो 3.5-4 लाख में भी आपको मिले। तो दोस्तों, आ बाजू छे वेगनर में आपको ठप्पो लगे लो जो, અને આ બાજુ જો તમે ટાટાના ચાહક હોય ને, તો ટાટાની તમામ ગાડીઓ તમને અહીંયા મળવાની છે। સંકલ્પજી, વેગનાર જો હે ના, તો ઇન્ડિયન માર્કેટમાં બહુ જ્યાદા ચલતી હોય, ગુજરાતમાં તો આપ માન કે ચલીએ કે 5 માંથી 1 ગાડી તો આપકો વેગનાર મળેગી, ઠીક હે? તો હમારે પીછે વેગનાર કી પૂરી લાઈન હૈ। તો હમ વેગનાર કી બાત કરે, અગર 5 સાલ પુરાના મોડલ હોય, ઠીક હે ના, तो कितने प्राइस रेंज में हमको मिलेगा? अगर 5 साल पुराना मॉडल आपका 17-18 मॉडल अगर आप वैगनर देख रहे हैं, अच्छी गाड़ी, कम किलोमीटर चली हुई जी, तो लगभग लगभग वो आपका 3.5 से 4 तक के बजट में यहाँ पे मिलेगी। 3.5 से 4 में पेट्रोल वेरिएंट, पेट्रोल और अगर वेरिएंट टॉप मॉडल भी है, ये टॉप मॉडल क्या मॉडल क्या बात कर रहे हो, ठीक है ना, अगर उससे कोई कम है तो प्राइस रेंज में फर्क रहेगा। और अगर हम लोग बात करें CNG की वैगनर में, उसका प्राइस रेंज क्या रहेगा? वैगनर अगर आप कंपनी फिटेड CNG लेने आ रहे हैं हमारे पास, तो वो भी आपको 4.5 से 5 के बीच में आपको मिल जाएगी। ओके, तो दोस्तों आ मारुति नी गाड़ियों नी बात है, तो अगर मारुति की बात करें तो उसमें कौन कौन सी हमारे पास मॉडल रहेंगे? मारुति में जो जो मॉडल्स आपके अभी मार्केट में रहेंगे, वो सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। स्विफ्ट मिल जाएगा, डिजायर मिल जाएगा आपको, ऑल्टो, वैगनर, सिलेरियो, नेक्सा ब्रांड में जाएंगे तो आपको बलेनो मिल जाएगी, सियाज मिल जाएगी। हाँ, तो सारे बलेनो है, बलेनो जो भी बहुत चलती है, खास करके अहमदाबाद में बहुत चलती है, तो बलेनो मान के चलिए कि 2 साल पुरानी है, 2-3 साल आफ्टर कोरोना है, तो हमको कितने मिल सकती है? वो आपका 5.5 से 6 लाख के बजट में आपको मिल, 5.5 से 6 लाख में टॉप मॉडल, टॉप मॉडल बलेनो का। और अगर उससे थोड़ी कम वो है मॉडल, तो उसमें प्राइस थोड़ा अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ पर टाटा की बहुत गाड़ियाँ, पर धीरे धीरे टाटा की भी डिमांड बढ़ने लगी, लोग जो है ना सिक्योरिटी कंसर्न से भी टाटा की गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियाँ टाटा की है और प्राइस रेंज थोड़ा बताइए हमें? टाटा की हमारे पास आपको टियागो मिल जाएगी और टाटा की अल्ट्रोज भी आपको मिल जाएगी। ओके, जो अभी हैचबैक में उनकी सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी है जी। अगर आप अल्ट्रोज की प्राइस रेंज देखें, तो अधिकतर अल्ट्रोज जो मेरे पे इस टाइम पे खड़ी है वो 20, 21, 22, 23 3-4 साल ही पुरानी है। ओके, इनकी प्राइस रेंज जो आपकी शुरू होती है वो आपकी 6.5 से 7.5 लाख तक में आपको पेट्रोल टॉप मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो तो मैं टाटा की अल्ट्रोज लेवा मांगू छू ना, तो तमने जे रीते संकल्प भाई कीधु ए प्राइस रेंज में मिली जावानी छे। हवे मां अलग अलग प्राइस जे छे ए वेरिएंट प्रमाणे पण प्राइस रेंज बदलाती होय, मान लो कि आ टॉप आजे भाव संकल्प भाई कही रह्या छे ने, ए टॉप मॉडलना भाव कही रह्या छे। जो तमे आ લોકોનો સંપર્ક કરશો, જે નંબર આપણે આપીએ છીએ, તો તમને પ્રોપર ગાઈડન્સ આ લોકો આપશે કે ભાઈ તમે જે ગાડી ખરીદવા માંગો છો એનું પ્રાઇસ રેન્જ શું છે એમ। એક એવરેજ તમને કહી દેશે કે ભાઈ માની લો કે 5 લાખની ગાડી છે, તો તમને કહેશે કે ભાઈ આ 5 થી 5.5 લાખની વચ્ચે આ ગાડી મળી જશે। અત્યારે આપણે છીએ i20 જે ગાડી છે હ્યુન્ડાઈની પાસે। તો સંતોષજી, હમ લોગ જો પૂરા સેક્શન હૈ યહાં પર હ્યુન્ડાઈ કી ગાડીઓ બેઠે છે ના, ઓર યહાં પર હૈ i20। તો અગર i20 કોઈ બંદા લેના ચાહતા હૈ ઓર વો 5 સાલ પુરાની ગાડી હૈ और मान के चले कि 50,000 चली है, तो वो कितनी प्राइस रेंज में मिल सकती है टॉप मॉडल? जैसे कि अभी आप यही वाली गाड़ी देख लीजिए, ये 2020 है। हाँ, i20 एन लाइन टॉप वेरिएंट जी, जो आपकी नॉर्मल i20 आती है उससे भी ज़्यादा स्पोर्टी लुक में आती है एन लाइन। ओके, एन लाइन का जो अभी प्राइस है वो आपका 9,65,000 है। ओके, ऑटोमेटिक वेरियंट है टॉप, 9,65,000 और प्राइस रेंज में केवे। तो मैं आ वीडियो जो कोई धारणा ना बांधी लेता कि भाई प्राइस वारे है, हूँ तो कहूँ एक आ लोगों कॉन्टेक्ट करो, तमने प्रॉपर जैसे महिती मिली जावा। આ કેવું છે ટોપ મોડલની વાત કરી રહ્યા છીએ અને જે એકદમ
વેલ્ડ કહી શકાય ને મેન્ટેન એવી ગાડીની વાત કરી રહ્યા છીએ. ઘણી બધી પ્રાઇસ રેન્જમાં આનાથી પણ ઓછામાં તમને આવી ગાડીઓ મળી જવાની છે. એક તો દો ટાઈપ કી સર્વિસ છે જી. એક હોતી હૈ ડોર સ્ટેપ સર્વિસ. ઓકે, માન લીજિએ અભી આપને યે મેરે સે i20 પરચેસ કરી. અબ i20 કે 3 મંથ્સ કે અંદર આપકે ઉસમે કોઈ છોટી મોટી દિક્કત આ રહી જી, જૈસે આપકી વિન્ડો નહીં ચલ રહી, મોટર નહીં ચલ રહી, आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे टेक्नीशियंस होते हैं जी, उनसे आपको कांटेक्ट करवा के डायरेक्ट आपके दो स्टेप पे भेज देते हैं, जहाँ पे वो आपके घर पे ही बैठ के सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं जी. बाकी अगर मेजर प्रॉब्लम है तो सिर्फ मेजर प्रॉब्लम के लिए ही हम गाड़ी अपने हफ्ते में करते हैं, बाकी सारी की सारी सर्विसेज आपकी दो स्टेप पे होती है वारंटी के. आप बताइए कि कौन कौन सी गाड़ी हमारे यहाँ मिल जाएगी कॉम्पैक्ट एसयूवी में, और प्राइस रेंज भी क्या मिलेगा, क्या क्या रहेगा कॉम्पैक्ट एसयूवी में? देखिए, अगर आप प्रॉपर बजट वाइज देख रहे हैं तो उसमें आपको रेनॉल्ट टाइगर मिल जाएगी. ओके, ट्राइबर मिल जाएगी आपको रेनॉल्ट की. निशान की आपको पिक्स मिल जाएगी, वो आपकी 550 से लेकर के 7 तक की रेंज में, 5.5 से 7.5 के बीच, 7.5 तक के बीच. और सर, हम लोग बात करें अभी जो ज़्यादा चल रही है ना कॉम्पैक्ट एसयूवी में, और सेकंड हैंड कार की भी हम लोग बात करें पूरे मार्केट में, तो एक तो नेक्सॉन रहती है टाटा की, और एक रहती है ब्रेज़ा. तो दोनों का प्राइस ना बताइए कि फर्स्ट ओनर है कोई गाड़ी नेक्सॉन और ब्रेज़ा, और चली है 3 साल के नीचे, तो क्या प्राइस रहेगी? अगर आप ब्रेज़ा लेने जा रहे हैं फर्स्ट ओनर टॉप मॉडल 3 साल पुरानी, तो लगभग आपका वो 8 से 9 लाख तक के बीच में आ जाए. 8 से 9 टॉप मॉडल तक के बीच में, फर्स्ट ओनर का. फर्स्ट ओनर टॉप मॉडल. ओके, और नेक्सॉन में? नेक्सॉन में भी आपका सेम यही रहता है, लगभग नेक्सॉन आपकी जो है वो 7 से 9 के बीच में आ जाएगा. 2018 ओके. ये जो आपको पड़ेगी फर्स्ट ओनर है ऑटोमेटिक पेट्रोल 38,000 किलोमीटर चली रही है. ओके, ये आपको पड़ेगी 33,53,000. ओके, और ये वाली? ये आपकी जगुआर आ जाती है XC 2018 आपका मैन्युफैक्चरिंग है, 2019 आपका रजिस्ट्रेशन है जी. फर्स्ट ओनर ऑटोमेटिक डीजल 24,000 ही आपका चली हुई है, ये आपको पड़ेगी 27,43,000. और ये दोनों की बात तो आपने कर ली, दूसरी कौन कौन सी प्रीमियम गाड़ी हमारे पास रहने वाली है? आपको MG ब्लास्टर भी मिल जाएगी. MG ब्लास्टर मिल जाएगी आपको. XUV 700 मिल जाएगी. इनोवा आपको मिल जाएगी. अंदर थी गाड़ी केवी छे, तमे जो आखी जे कंडीशन छे ने गाड़ी नी, ये तमे जोई शको छो, एकदम तमने एवुं लागशे के गाड़ी सेकंड हेन्ड नथी परंतु नवी छे. दरेक आनो जे स्पेर पार्ट छे ए चेक थयेला छे, दरेक जे वस्तु छे ए चेक थयेली छे, पछी टायर होय, એન્જિન હોય કે કોઈ પણ સીટ હોય કે છેલ્લે મ્યુઝિક સિસ્ટમ હોય, દરેક વસ્તુ તમને એકદમ A1 કક્ષાની મળવાની છે, અને પ્રોપર જે છે તે વર્કિંગ કન્ડિશનમાં મળવાની છે. પાછળની પણ સાઈડમાં આપણે જોઈ લઈએ, તો જે લોકો પ્રીમિયમ ગાડીઓના શોખીન છે, આરામદેહ ગાડીઓ પસંદ કરે છે, તેમને સ્કિનીમાં આવી ગાડીઓ પણ મળી જવાની છે. તો દોસ્તો, સેકન્ડ હેન્ડ કાર ખરીદવા માટેનું બેસ્ટ ઓપ્શન, બેસ્ટ જગ્યા એટલે સ્પિની. આપણે આજે હતા અમદાવાદના SGI ઉપર આવેલા સ્પિની પાર્કમાં, જે અલગ અલગ પ્રકારની ગાડીઓ આપણે જોઈ. જો તમે પણ સેકન્ડ હેન્ડ ગાડી ખરીદવા માગો છો, અને એ પણ સારી વ્યવસ્થિત ચાલેલી ફર્સ્ટ ઓનર સેકન્ડ ઓનર અને તમારા બજેટમાં, તો તમે પણ મુલાકાત લઈ શકો છો. સ્પિની પાર્કની નંબર મેં આપ નીચે આપી દીધા છે, અત્યારે સંપર્ક કરો. સ્પિની ઉપર તમે ભરોસો કરી શકો છો, કારણ કે સચિન પણ હવે તો કહે છે. જે પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરો, અને આવા જ વિડીયો આગળ પણ જોવા માટે મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. જો તમે આ વિડીયોને ફેસબુક પર જોયા છો તો મારા ફેસબુક પેજને અત્યારે જ ફોલો કરી લો. જય જય કરવી ગુજરાત, જય હિન્દ.